अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, मैं चौरी मोहम्मद अफसल, CEO नेक्सस स्टेट सर्विसेज, नहरी इनक्लेव इस्लामाबाद ऑफिस से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेक्टर 10 सेमी डेवलप एरिया उसको विज़िट करेंगे। एक कोई इन्फॉर्मेशन थी, अब मैं उसको चेक करने जा रहा हूँ क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। अब उसको हम ऑन ग्राउंड जा कर देख लेते हैं, हो सकता है दो चार दिन बाद कुछ काम स्टार्ट हो उस साइड पे। तो मैंने कहा चलें विज़िट करते हैं, लोकेशन को देखते हैं और जिनके प्लॉट्स हैं यहाँ पे तो उनके लिए खुशखबरी हो सकती है। तो अल्लाह करे यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। तो स्टे विद अस, मैं आगे जा रहा हूँ, लोकेशन आपको दिखाता हूँ। अगर वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई या कुछ प्रोग्रेस हुई तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। और तब तक नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो जस्ट वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो अगर दिल माने तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियोस हम आप लोगों के लिए ही बनाते हैं और आजकल के हालात में वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। जस्ट हम आपके लिए बनाते हैं और हमारा भी इसमें फ़ायदा होता है, क्लाइंट आते हैं, बिज़नेस चलता है और आप लोगों का भी फ़ायदा है कि आप लोगों को बैठे बैठाए इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे बेसिकली डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं स्ट्रीट 41 साइड पे, 41 ABCD वाला जो एरिया है और आप सामने ये एरिया देख रहे हैं। और अभी लेटेस्ट काम तो स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन मुझे लग रहा है कुछ काम इन्होंने किया है। और ये सामने पहाड़ी थोड़ी सी कटिंग हुई है और आगे भी कुछ फ्रेश मिट्टी डली नज़र आती है मुझे। ये पहाड़ी मुझे कटी नज़र आती है, ये सामने वाली दूसरी साइड से काम लगा हुआ इधर पहले का, लेकिन ये साइड उम्मीद है कि ये जल्द क्लियर करेंगे। ये जो एरिया ये तारेड इनके पास है, ये सेमी डेवलप एरिया है सामने, जो कि ऑलरेडी वीडियोज़ में आपको दिखा भी चुका हूँ। और ये जो एवेन्यू है आगे, इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो प्रॉपर मैं आपको वीडियो शो करता हूँ, स्टे विद अस। तो जी व्यूअर्स, ये स्ट्रीट 39 है बेसिकली, जो कमर्शियल बैक स्ट्रीट कहलाती है। और इस साइड पे न्यूज़ थी कि काम स्टार्ट होने वाला है और कुछ चेंजेस मुझे लग रही हैं। ये बट शेट्टी इस गली में भी डली है कुछ, ये 42 नंबर गली है सामने और इसका ये अगला पोर्शन पहाड़ी है। यहाँ पे तो शायद अभी फ़िलहाल तो काम रुका हुआ, लेकिन आगे मुझे कुछ नज़र लग रही है कि कुछ इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। ये देखें, ये मिट्टी फ्रेश है आगे और इस तरह से ये पहाड़ी भी कटी नज़र आ रही है साथ इसके, ये भी फ्रेश मिट्टी है। और इस तरह से इसकी दूसरी साइड पे जो काम है वो ऑलरेडी पहले स्टार्ट है, तो दूसरी साइड से भी इसको चेक कर लेते हैं। लेकिन न्यूज़ ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट प्रॉपर हो जाएगी और ये एरिया तो ऑलरेडी आप लोगों की नज़रों में है, एवेन्यू 10। ये भी काफ़ी तेज़ी के साथ काम यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट है, मौसम आजकल थोड़ा सा बरसाती है तो इस वजह से काम थोड़ा सा समटाइम स्लो भी करना पड़ता है इनको। लेकिन ये पहाड़ी मेन पॉइंट था वो कट गई है सारी और आई होप कि ये बारिशें वगैरह रुकती हैं तो 2-3 महीने में ये सारा प्रॉपर जो एक्सेस है यहाँ से आउट हो जाएगी और आगे यहाँ से ये काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये स्ट्रीट 41 ABCD 40, ये एरिया 42 का, तो ये सेमी डेवलप में आता है बेसिकली। बाकी एरिया तो ऑलरेडी आप लोग फेमिलियर हैं, देख चुके हैं सारा एरिया, वीडियोस में आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं और आपको आइडिया है फुली डेवलप एरिया कौन सा है। जस्ट मैं यहाँ से भी आपको शो कर देता हूँ, ये सामने देखें सारा एरिया, ये फुली डेवलप एरिया है। तो जस्ट एक मैं यहाँ से आपको व्यू दे रहा हूँ और फिर ये स्ट्रीट 42 है, इसके पीछे 43 44 वहाँ पोजेसन मौजूद है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। तो ये 39 स्ट्रीट में हम खड़े हैं इस टाइम, ये क्या कहते हैं इसका कमर्शियल बैक है। तो
ये एरिया सारा आपके सामने है, तो इसे आप आइडिया ले सकते हैं यहाँ की डेवलपमेंट क्या है, स्टेटस क्या है सारा। और यहाँ से ही मैं अगर आपको शो करूँ तो ये कमर्शियल, और आगे ये 5 मरला सारा एरिया, और इधर से स्ट्रीट नंबर 27-28 का ये एरिया है, और आगे 11th Avenue A। तो उस साइड पर जब मज़ीद कोई डेवलपमेंट होगी तो सेपरेट वीडियो हम लेके आएंगे। तो बहरहाल मेन पॉइंट और मेन जो एक्सेस और सेंटर पॉइंट Avenue 10, ये बहुत ज़रूरी है आगे जाना, और आगे जाएगा तो फिर आपकी जो एक्सेस है आगे Sector A, Sector C, ये Sector A सामने इस तरह से, ये Sector C आगे इधर को अप्रोच हो सकती है, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा Sector N के लिए, Sector O के लिए। प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी और यहाँ पे काफ़ी लोग मूव करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी मज़ीद कोई अपडेट आती है तो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। लेकिन लग रहा है कि ये जो सामने वाला एरिया है, ये सेमी डेवलप, जो कमिंग 2 से 3 महीने हैं, बहुत ही क्रूशल हैं, और इसमें काफ़ी चेंजेस आने के चांसेस हैं यहाँ पे। बाकी कोई इंफॉर्मेशन, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, तो इंशाल्लाह हम आपको रिस्पांस करेंगे। और नए लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम जो मेहनत करते हैं वो ज़ाया ना जाए, और आप लोगों तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुँचे, और हमें भी पता हो कि कितने लोग वीडियोज़ को वॉच करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।